हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईशा आर्टिज़म। और अभी एक न्यू वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है टोन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टोन्स। तो शुरू करते हैं। देखिए, आप जब भी शेडिंग करते हैं तो आपको इन टोन्स का थोड़ा ध्यान रखना है। अगर हमारे सामने कोई लाइव ऑब्जेक्ट भी नहीं है तब भी हम इन टोन्स को, अगर हमारे हमें माइंड में होगी तो हम इसको बना सकते हैं। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, जस्ट एक बॉल बनाई है, ठीक है, एक राउंड शेप में। तो इसमें सिर्फ मेरा बनाने का पर्पस यही है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि इसमें कौन कौन सी टोन्स यूज़ की गई हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप कहीं से भी समझ लीजिए कि जैसे लाइट सोर्स है। अब मैंने मान लिया मेरा लाइट सोर्स यहाँ पर है, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपना डायरेक्शन ले सकते हो लाइट सोर्स का। तो अगर मेरा लाइट सोर्स यहाँ पर है तो सबसे ज़्यादा हिट हो रहा है ये वाला पोर्शन हाईलाइट में, तो इसका हमने नाम क्या रख दिया, हाईलाइट। क्योंकि सबसे ज्यादा लाइट यहां पर ऑब्जर्व हो रही है, इतनी ऑब्जर्व हो रही है कि जो इसका एक्चुअल कलर है वो भी गायब हो गया और यहाँ पे जो सरफेस होता है व्हाइट दिखता है। या आप अपना लाइव एक्सपीरियंस ले सकते हो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखो और वहां उस ऑब्जेक्ट पे जहां पर भी आपको व्हाइट कलर की लाइंस या मतलब कोई भी कलर दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का, तो वो उसका एक्चुअल कलर नहीं होता है, वो सिर्फ एक हाईलाइट होता है, वो एक उसका ऑब्जर्व किया हुआ होता है, जो वो सबसे ज्यादा लाइट को ऑब्जर्व करता है। देन इसके बराबर में ही आ जाता है मिड टोन, ठीक है। तो ये मिड टोन हमेशा हाईलाइट को मर्ज करते हुए आता है, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये हाईलाइट है और ये मिड टोन है, ये हमेशा इसके साथ मर्ज होता हुआ आएगा। ऐसे ऐसे करते करते हमारा नीचे टोन्स बढ़ती चली जाती है। अब ये वाला जो आएगा यहाँ पे हमारा मिड टोन हो गया और फिर आगे हमारा डार्क टोन। सिंपल से वर्ड्स हैं, सिंपल से टर्म्स हैं इसके, और बहुत इजी है सिंपल समझने में। अब सिंपल सी बात है, अगर लाइट यहाँ पर है तो वैसी बात है शेडो इस डायरेक्शन में बनेगी। जिस भी डायरेक्शन से लाइट होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में शेडो बनती है, तो हमारी जो आ गई शेडो। इसके सिंपल लैंग्वेज यही है, ठीक है। और इसके बाद जब हमारा ये शेडो आता है ना, तो हमारी जब सरफेस पे हमारी लाइट टकराती है, लाइट सिर्फ इधर तो नहीं जा रही होगी, इधर भी जा रही होगी, इधर भी जा रही होगी, तो जब वो टकराती है तो वो नीचे से बाउंस करती है, तो जो वो रिफ्लेक्ट आता है वो यहाँ पर आता है। ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। जो ये रिफ्लेक्टेड हो गया ना, रिफ्लेक्टेड टोन बोल सकते हो आप इसको, ये ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड टोन है जो लाइट यहाँ पे पड़ती है और उसके बैक वापस आती है, ऑब्जेक्ट पे पड़ती है। और इन सारी टोन्स को अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में बनाते हो तो डेफिनेटली आपकी ऑब्जेक्ट काफ़ी हद तक रियल लगेगी और अट्रैक्टिव लगेगी। और उसमें जो वॉल्यूम है, मेन है वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो क्रिएट होता हुआ दिखेगा, एक फ्लैट सर्कल सा। और उसमें अभी ऐसा नहीं है कि ये एक फ्लैट सर्कल है और इसमें ऐसे 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 बस शेड हो गया है, और क्या शेड हुआ है, ग्रेडियंट टाइप हो गया, सपोज करो ग्रेडियंट ही समझ लो आप, ठीक है। लेकिन अगर आप इस सिर्फ एक ग्रेडियंट से हटके शेड समझोगे, तो ग्रेडियंट से हटके जो शेड्स हैं वो इन टोन्स के साथ ही मिल सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी शेडिंग करो तो उसमें इन टोन्स को अपने माइंड में रख के करना कि ये टोन्स हमें अपने ऑब्जेक्ट में दिखाना ही है। तो ये सिंपल सा एक मेरा वीडियो था, इसमें ये यहाँ पर फिनिश होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड डे।